सच्ची बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और यहाँ हम आपको बताने जा रहे देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा के बयान पर भारत ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 कनेडियन राजनयिकों को निकाल दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को सामने आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को सामने आएंगे। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी की एजेंट की तरह काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से लखनऊ में मुलाकात की। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस बात पर चर्चा हो गई है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर कौन कौन है। वहीं सलमान खान के बाद अब मुनव्वर फारूकी का नाम सामने आया है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई से बिश्नोई समाज ने किनारा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करता। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ली है तो यह गलत है, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में बदमाश ने हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी को तलवार से काट कर उनकी लाश से घर से 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। दिवाली के मौके पर राजधानी दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। वहीं कुछ लोग इसे छिप कर बेच रहे थे, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 104 किलोग्राम पटाखे भी जब्त किए। पेटा ने जैकलिन फर्नांडिस और रितेश देशमुख को सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के खिताब से सम्मानित किया। तो आज के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सच्ची बात। धन्यवाद।